हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीडी 101 जिसका शीर्षक है बाल्यावस्था एवं अभिवृत्ति का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में 75 प्रश्न हैं और इस मॉडल पेपर में वे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे लेकिन विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे। यदि हम विस्तृत व्याख्या करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इन सभी प्रश्नों के सिर्फ उत्तर बताएंगे, शॉर्ट में विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम सीकर ऑफिशियल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका कथन है यह कथन है क्रो एंड क्रो का। देखिए अगला प्रश्न, बालक का विकास आरंभ होता है। बालक का विकास कहाँ से आरंभ होता है? बालक का विकास गर्भाधान से आरंभ होता है। कहाँ से आरंभ होता है? गर्भाधान से। देखिए अगला प्रश्न, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्टेनले हॉल का। किसका है? स्टेनले हॉल का। किसने कहा है, व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है। यह कथन किसका है? यह कथन है गुड एन एप का। किसका? गुड एन एप का। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है? देखिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, संवेगों की संख्या है। संवेगों की संख्या कितनी है? संवेगों की संख्या 14 बताई गई है। बालक के विकास के क्षेत्र हैं। बालक के विकास के क्षेत्र क्या हैं? बालक के विकास के क्षेत्र शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, ये सभी बालक के विकास के क्षेत्र हैं, उपयुक्त सभी। देखिए, बाल्यावस्था की उम्र है। बाल्यावस्था की उम्र क्या है? बाल्यावस्था की उम्र है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। देखिए, बाल्यावस्था की उम्र क्या है? बाल्यावस्था की उम्र है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की 5 वर्ष से 12 वर्ष तक उम्र किसने माना है? शैली के अनुसार बाल्यावस्था का कार्यकाल है, मतलब जो काल है वह है 5 से 12 वर्ष तक। कॉलसनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? कॉलसनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? कॉलसनिक ने विकास की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को। देखिए, सहस्वस्थता होती है। सहस्वस्थता का समय क्या होता है? सहस्वस्थता का जो समय होता है वह क्या होता है? जन्म से 5 वर्ष तक। सहस्वस्थता का समय क्या होता है? जन्म से 5 वर्ष तक। देखिए, जो जन्म से 5 वर्ष तक सहस्वस्थता किसने मानी है? शैले ने। शैले के अनुसार सहस्वस्थता का काल जन्म से 5 वर्ष है। ये किसने माना है? शैले ने। बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, बाल्यावस्था की विशेषताएं देखते हैं, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, ये सही है। जिज्ञासा की प्रबलता, ये भी सही है। मानसिक योग्यता में वृद्धि, ये भी सही है। तो ये तीनों ही उपयुक्त किसकी विशेषता हैं? बाल्यावस्था की विशेषता हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था वह किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? वह दिया था जीन पियाजे ने। रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था है। रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था का काल क्या है? रॉस के अनुसार पूर्व जो बाल्यावस्था है उसका काल है 2 से 6 वर्ष। जन्म के समय बालक का भार होता है। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? जन्म के समय बालक का भार होता है 5 से 8 पाउंड के बीच में होता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? बालक का मानसिक स्वास्थ्य विद्यालय, परिवार, समुदाय, इन सभी पर निर्भर करता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। वृद्धि एवं विकास का जो मुख्य सिद्धांत है वह कौन सा है? निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये दोनों महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, ये भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। ये सभी विकास और अभिवृद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं।
विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप क्या हैं? देखिए, आकार में परिवर्तन होता है, प्राणी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, नए गुणों की प्राप्ति होती है। तो ये सभी किसके मुख्य रूप हैं? विकास के ही। देखिए, अब विकास की विशेषता क्या है? विकास की विशेषता, विकास क्रमिक होता है, यह बात बिल्कुल सही है। विकास निश्चित दिशा में होता है, विकास निरंतर होता है। ये तीनों ही विशेषता किसकी हैं? ये तीनों ही विशेषता विकास की हैं। इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, जीवन की आधारशिला व महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को माना जाता है? जीवन की जो आधारशिला होती है वह महत्वपूर्ण काल होता है, वह क्या होता है? वह होती है शैशव अवस्था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने किया था। किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने। एडोलेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलेसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है फलना फूलना। क्या होता है? फलना फूलना। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। चलना दौड़ना और घिसटना उदाहरण है। चलना और दौड़ना घिसटना किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है गामक विकास के। जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, जन्म से पूर्व की अवस्था क्या होती है? जन्म से पूर्व की अवस्था देखिए, डिम्ब अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु अवस्था, ये तीनों ही जन्म के पूर्व की अवस्था होती है। इसके सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भ्रूण अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था का जो समय है वह क्या है? वह है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। समाजीकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है क्या है? विद्यालय, परिवार, शिक्षक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। अनौपचारिक अभिकरण, औपचारिक अभिकरण, ए व बी दोनों इनमें से कौन? इसका सही उत्तर है अनौपचारिक अभिकरण। जो परिवार कैसी संस्था होती है? परिवार एक अनौपचारिक संस्था होती है। समाजीकरण के कारक क्या हैं? समाजीकरण के कारक क्या हैं? भाषा, संस्कृति, सहानुभूति। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी समाजीकरण में योगदान देते हैं। समाजीकरण की प्रविधियाँ क्या हैं? पुरस्कार प्रविधि, दंड प्रविधि, नियंत्रण प्रविधि, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। देखिए, किसने कहा है कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है? ये कथन किसका है? गेट्स एवं अन्य। ये कथन किसका कहा है? यह कथन है गेट्स एवं अन्य। गेट्स एवं अन्य ने कहा है कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? सार्वभौमिक संस्था, यह बिल्कुल बात सही है। धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, किसने कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? यह कथन किसका है? यह कथन है मैकाइवर का। किसका कथन है ये? मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा है कि समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। किसे माना जाता है? विलियम वुंट को। बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी क्या है? देखिए, बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी ये क्या है? ये जो पहली कड़ी मानी जाती है, पहली कड़ी क्या मानी जाती है समाजीकरण की? पहली कड़ी परिवार को माना जाता है, और दूसरी कड़ी किसको माना जाता है? दूसरी कड़ी माना जाता है विद्यालय को। रॉस के अनुसार शैशवस्था का समय है, देखिए रॉस के अनुसार शैशवस्था का समय क्या है? रॉस के अनुसार शैशवस्था का समय है जन्म से 2 वर्ष तक। किसके अनुसार? रॉस के अनुसार शैशवस्था का समय क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं, ये हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसने कहा है विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है? यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर का। देखिए अगला प्रश्न, किस अवस्था को स्वर्णिम अवस्था कहा जाता है? किस अवस्था को स्वर्णिम अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को स्वर्णिम अवस्था कहा जाता है। किस अवस्था को? किशोरावस्था को। देखिए अगला प्रश्न, समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है जॉनसन का। किसका? जॉनसन का। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के कितने स्तर हैं? जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के कितने स्तर हैं? 4 स्तर हैं। किस अवस्था को खोजी अवस्था कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस अवस्था को खोजी अवस्था कहा जाता है? संवेदी पेशी अवस्था को खोजी अवस्था कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया। यह कथन किसका है? यह कथन है जॉनसन का। किसका? जॉनसन का।
बालक के समाजीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, उचित शिक्षा का अभाव यह बाधक तत्व है समाजीकरण में। मानसिक अस्वस्थता, हीन भावना, ये तीनों ही बालक के समाजीकरण में के बाधक तत्व होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, संवेदी पेशी अवस्था की 4 से 8 माह तक की तृतीय अवस्था का गुण नहीं है। देखिए, मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज, आत्मकेंद्रियता, इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? ए व बी दोनों। ये 4 से 8 माह की जो तृतीय अवस्था होती है उसके गुण नहीं होते। देखिए अगला प्रश्न, मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की मुख्य विशेषता है विकेंद्रण, अविनाशिता, क्रमागत क्षमता, इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, किशोरावस्था की व्याख्या करने वाला शब्द है वह कौन सा शब्द है जो किशोरावस्था को व्याख्यात करता है? इसका सही उत्तर है परिवर्तन। देखिए अगला प्रश्न है, एडोलेसेंस पुस्तक किसने लिखी है? एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं स्टेनले हॉल। देखिए अगला प्रश्न, शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है, शारीरिक परिपक्वता किस अवस्था में होती है? वह अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। किसने कहा है चरित्र अच्छी आदतों का पुंज है? यह कथन किसका है? यह कथन है इस्माइल का। किसका? इस्माइल का। बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है समूह भावना। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका है? क्रो एंड क्रो का। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? अवस्था सिद्धांत। क्या नाम है? अवस्था सिद्धांत। मूर्त संक्रिया काल होता है, मूर्त संक्रिया काल क्या होता है? 7 से 12 वर्ष तक। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। जीन प्याजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन प्याजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड। किसने कहा है संवेग शब्द विचलित होने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है? यह कथन किसका है? यह कथन है जर्सल्ड का। किसका है? जर्सल्ड का। जीन प्याजे के विचार से आत्मसात्मीकरण है, नई वस्तु की कोशिश। क्या है? नई वस्तु की कोशिश। किसने कहा है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? यह कथन किसका है? यह कथन है मैकडूगल का। किसका है? मैकडूगल का। किसका कथन है समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है? यह कथन किसका है? यह कथन है लैंगफील्ड का। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक हैं, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन ड्यूबी। कौन है? जॉन ड्यूबी। मुख्य रूप से समायोजन निर्भर करता है, मुख्य रूप से समायोजन किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति पर। किस पर? व्यक्ति पर। किसका कथन है समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है? यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर का। बालक के नैतिक विकास का अर्थ है, बालक के नैतिक विकास का अर्थ क्या है? चारित्रिक विकास। कैसा विकास? चारित्रिक विकास। स्कीमा से कौन संबंधित है? स्कीमा से कौन संबंधित है? स्कीमा से संबंधित है जीन प्याजे। देखिए स्कीमा क्या होता है? स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संज्ञानात्मक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? संज्ञानात्मक विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से। इसका जो सही उत्तर है वह है शैशवावस्था से। संज्ञानात्मक विकास कहाँ से शुरू होता है? शैशवावस्था से। किसकी परिभाषा है समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलन संबंध रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है? यह कथन किसका है? यह कथन है गेट्स एवं अन्य का। किसका? गेट्स एवं अन्य का। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने कहा है। किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने। एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं,
शारीरिक रूप से समायोजित, सांवेगिक रूप से समायोजित, व्यवहार में लचीलापन। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। देखिए जो मूल प्रवृत्ति है वह सभी प्राणियों में पाई जाती है तथा वह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। मैकडुगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है किसका होता है? संवेग से होता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का क्या होता है? एक संवेग होता है। टोली की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? टोली की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? टोली की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। संवेदी पेशी अवस्था का काल क्या है? संवेदी पेशी अवस्था का काल होता है जन्म से 2 वर्ष तक। क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष तक। सहस्वस्था की विशेषता नहीं है। सहस्वस्था की विशेषता क्या नहीं है? दोहराने की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, अनुकरण की प्रवृत्ति, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। देखिए जो पहले की 3 विशेषता हैं वह तीनों विशेषता ही सहस्वस्था की विशेषता हैं, लेकिन जो अंतिम विशेषता है शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, यह विशेषता बाल्यावस्था की होती है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। देखिए यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। युयुत्सा क्या है? युयुत्सा क्या होती है? युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। क्या है? मूल प्रवृत्ति। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम सीकर ऑफिशियल। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और हम जो अगला मॉडल पेपर बनाएं वह किस सब्जेक्ट का बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।